नीम का पेड़। चलिए दोस्तों जानते हैं नीम के पेड़ के बारे में मुख्य जानकारी और नीम के पौधे से हमें कितने फ़ायदे हैं और इस पेड़ के क्या राज हैं जो हमें मालूम नहीं हैं। दोस्तों नीम के पेड़ की बात की जाए तो नीम के पेड़ की मुख्य जानकारी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों नीम तेज़ी से बढ़ने वाला एक पर्णपाती या पतझड़ी पौधा है जो कि 15 से 20 मीटर तक की ऊंचाई से भी अधिक बढ़ता है। नीम की पत्तियां पतझड़ के मौसम में या गंभीर सूखे में अधिकतर या सभी पत्तियां सूखकर नीचे गिर जाती हैं। दोस्तों अगर हम नीम के पेड़ का वैज्ञानिक वर्गीकरण करें तो यह कुछ इस प्रकार जाना जाता है। इसका जगत है प्लांटाएं विभाग, सपुष्पक पौधा गण सपिंडेल्स, कुल मेलिएशियाई, वंश अजाडिरिस्टा और जाति अजाडिरिस्टा इंडिका। दोस्तों नीम के पेड़ का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने पर वंश और जाति को मिलाकर इसका जो वनस्पति वैज्ञानिक नाम बनता है अजाडिरिस्टा इंडिका। चलिए दोस्तों बात करते हैं नीम के पेड़ से होने वाले फायदे के बारे में। दोस्तों नीम के पेड़ के फायदे की बात की जाए तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं आपको इसके कुछ फायदे के बारे में बता रहा हूं जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। दोस्तों नीम से होने वाले पहले फ़ायदे की बात की जाए तो इसकी पत्तियां बुखार में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। दोस्तों अगर आपको कभी भी अचानक बुखार आता है तो आप नीम के 10 से 11 पत्ते पीसकर या चबाकर खाने से बुखार में तुरंत आराम मिलता है और कुछ समय पश्चात ही बुखार बिल्कुल ही गायब हो जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नीम के पेड़ से होने वाले दूसरे फायदे के बारे में। दोस्तों नीम की पत्तियां फोड़ा फुंसी और मुहासे में बहुत बड़ी कारगर दवा मानी गई है जो कि कुछ समय में ही हमारे शरीर में होने वाले फोड़े फुंसी और मुहासों को गायब कर देती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं फोड़े फुंसी और मुहासों की दवा में नीम की पत्तियों का उपयोग कैसे करें। दोस्तों खाली पेट नीम के पत्तों का सेवन करने से या फुंसी फोड़े व मुहासों की जगह नीम के पत्तों को पीसकर लगाने से फुंसी फोड़े व मुहासे कुछ ही दिन में गायब हो जाते हैं और चेहरा भी निखर आता है। चलिए दोस्तों जानते हैं नीम के पौधे से होने वाले अगले फायदे के बारे में। दोस्तों नीम का पौधा कान के दर्द में बहुत अच्छा उपयोगी माना गया है। दोस्तों नीम के 4 से 5 पत्तों को 10 ग्राम तेल में पकाएं और उतार कर ठंडा करके रुई की सहायता से 2 या 3 टपका कान में डालने पर बहुत जल्दी आराम मिलता है और दर्द भी बंद हो जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं नीम के पौधे से होने वाले अगले फायदे के बारे में। दोस्तों नीम का पौधा पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। दोस्तों नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो कि पेट के कीड़ों को ख़त्म करने में बहुत बड़ा मददगार होता है। दोस्तों नीम के पत्तों को पीसकर और उसमें शहद मिलाकर खाली पेट सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बना रहता है। दोस्तों इसका जो अगला फ़ायदा है वो है दांतों के लिए। दोस्तों आजकल दांतों की समस्या से बहुत से लोगों को जूझना पड़ रहा है और हमारे दांतों में सड़न, पायरिया और मुंह में बदबू आदि जैसी बीमारियां फैल रही हैं। दोस्तों इन सभी परेशानियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए नीम की दांतुन एक रामबाण इलाज है। दोस्तों
आप सुबह सुबह नीम की दांतों को 5 से 10 मिनट तक अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपकी सभी दांतों से जुड़ी हुई परेशानी दूर हो जाएंगी और जीवन में आपको कोई भी दांतों से जुड़ी हुई परेशानी देखने को भी नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं नीम के पेड़ का ऐसा क्या राज है जो हमको मालूम नहीं है। दोस्तों, नीम के पेड़ की राज की बात की जाए तो नीम के पेड़ का सबसे बड़ा राज यही है कि अगर यह पेड़ आपके आसपास है तो आप इस पेड़ की वजह से बहुत सी होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, नीम के पत्तों के अंदर विटामिन सी पाए जाने के कारण यह पेड़ हमें स्कर्वी रोग यानी सूखा रोग होने से बचाता है, जैसे कि मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूड़ों से खून आना और टांगों की चकत्ते पड़ने जैसी बीमारियों से नीम का पेड़ हमारी सुरक्षा करता है।